अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी बी एस सी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एंट्रेंस है उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स लग रहे हैं जेके बोपी के अंडर, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कैंडिडेट्स के लिए है। तो सभी को पता होगा जेके बोपी ने बी एस सी नर्सिंग की जो रजिस्ट्रेशन है, चाहे बी एस सी मेडिकल है चाहे बीएससी टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स है, उसका जो एंट्रेंस होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो उन्होंने 19 अप्रैल से शुरू कर दी थी और लास्ट डेट जो उन्होंने रखी है वो आज 3 मई रखी है, यानी कि आज 3 मई है और आज उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स की आपकी लास्ट डेट है। लेकिन अगर आप वेबसाइट में देख लोगे इस बार बहुत कम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए हैं, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से अगर आप देख लोगे वेबसाइट जो है वो काफ़ी डाउन चल रही है, वेबसाइट अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही है और उसके साथ साथ मेन जो वहाँ पर चल रहा है वो है आपकी फ़ी पेमेंट को लेकर। फी का जो पोर्टल है वो भी डाउन चल रहा है, स्टूडेंट्स के अकाउंट से पेमेंट डेबिट होती है लेकिन वहां पे जो है वो उनको दो दो बार पेमेंट करनी पड़ती है, तो रिफंड भी उनको नहीं आ रही है एक बार, तो स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। चलो पेमेंट का जो मसला है वो तो उनको दो बार होके मतलब फॉर्म अपना सबमिट हो जाता है, लेकिन जो वेबसाइट डाउन है उस वजह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म ही स्टूडेंट सबमिट नहीं कर पा रहे। कल भी दिन में वेबसाइट डाउन थी, परसों भी, लगभग 5-6 दिनों से ऐसा ही चल रहा है। तो उसको देखते हुए यहां पर अभी लगभग 16,000 के आसपास एप्लीकेशन फॉर्म्स लगे हैं, अभी वो हो गया बहुत कम क्योंकि लास्ट ईयर 24,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स लगे थे, तो इस बार अभी 16,000 फॉर्म लगे, ये तो कुछ भी नहीं। 2022 में लगभग 12,000 फॉर्म लगे थे, सॉरी 2021 में 12,000 के आसपास 12-13,000 के आसपास फॉर्म लगे थे, तो उस साल काफ़ी कम फॉर्म लगे थे। तो 2022 की अगर मैं बात करूँ तो 24,000 के आसपास एप्लीकेशन फॉर्म्स लगे थे, लेकिन अभी इस बार 16,000 के आसपास ही फॉर्म लगे हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत कम यहाँ पे लगे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स का मसला चल रहा है कि अब वेबसाइट डाउन है, फॉर्म अपना सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पे शायद डेट्स को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 90% चांसेस हैं डेट्स को एक्सटेंड हो करेंगे और होने भी चाहिए। रिक्वेस्ट है मेरी जेके बोपी से कि डेट्स को एक्सटेंड किया जाए क्योंकि स्टूडेंट यहां पे बहुत सारे परेशान हैं, फॉर्म अपना सबमिट नहीं कर पा रहे क्योंकि वेबसाइट अगर डाउन है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट कहां से फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। तो आप सभी कैंडिडेट्स को टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, जेके बोपी डेट्स को एक्सटेंड करेगा। आज 90% चांसेस हैं डेट्स को एक्सटेंड होने के, आज नोटिफिकेशन आ जाएगी दिन में। इससे पहले जो बीटेक के एप्लीकेशन फॉर्म्स लग रहे थे उसमें भी उन्होंने डेट्स को एक्सटेंड किया, पहले 24 अप्रैल लास्ट डेट थी, फिर उन्होंने उसको एक्सटेंड करके 30 अप्रैल कर दिया क्योंकि बीटेक में तो काफ़ी कम कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग में लगभग 24-25 हज़ार कैंडिडेट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली उस वजह से वेबसाइट में भी डाउन मतलब क्रैश वगैरह आते रहता है। तो डेट्स को भी ये यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, हर साल डेट्स को एक्सटेंड करते हैं तो इस बार भी यहाँ पे डेट्स को एक्सटेंड करेंगे। तो बाकी आप वेट कीजिए, 1-2-3 बजे तक आपका यहाँ पे अपडेट आ जाएगा, डेट्स आपकी एक्सटेंड होने के 90% चांसेस हैं और होने भी चाहिए डेट्स एक्सटेंड, ताकि सारे कैंडिडेट्स अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। 16,000 फॉर्म्स अभी सबमिट हुए वो तो कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट ईयर 24,000 एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें हर साल इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज तो होगा नहीं, वो तो अभी कम फॉर्म लग रहे हैं। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स का मसला चल रहा है रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लेके, उसका भी यहाँ पे उनको देखना चाहिए और वो डेट्स एक्सटेंड करेंगे। तो आप देखिए 2-3 बजे तक आप वेट कीजिए, डेट्स एक्सटेंड हो जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर नहीं आई तो आप कोशिश कर लेना फिर 3-4 बजे तक अपना फॉर्म सबमिट करने की, बाकी टेंशन कुछ भी नहीं लेनी है आपको, डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल्स वहाँ पर फॉरवर्ड कीजिए और अपना फॉर्म हमसे सबमिट करवाइए एज सुन एज पॉसिबल विदाउट एनी एरर। तो आप खुद से भी सबमिट कर सकते, कोई इशू नहीं। फिलहाल आज अभी लास्ट डेट रहने वाली है, डेट्स को एक्सटेंड भी किया जाएगा लेकिन फिलहाल आप मान के चलिए 3 मई आज यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे, कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।